नमस्कार, वेलकम बैक टू एनके मिश्रा क्लासेस एंड एनकेटेक स्किल्स। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स एंड क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस के वीडियोस देखे। आइए अब इनके वीडियोस में हम देखेंगे यूनिट सेल एक कोष्टिका। यूनिट सेल या एक कोष्टिका क्या होती है? तो यूनिट सेल्स हमारे दो भागों में बांटे गए हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल दैट इज कॉल्ड आद्य एकक कोष्टिका एंड केंद्रित यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको आगे पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि यूनिट सेल क्या है। तो पहला टॉपिक यूनिट, व्हाट यू मीन बाय यूनिट सेल एकक कोष्टिका। जैसे हम कोष्टिका शब्द से कोठरी, अगर पहले के समय में बात करें तो पहले के समय में कमरों को कोठरी कहा जाता था। कोष्टिका शब्द उसी से उत्पन्न हुआ है, दैट इज कोष्टिका, कि जो हमारे परमाणु सूक्ष्मतम जगह में जहाँ रहते हैं तो उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइन ठोसों के बारे में, कि उनका निश्चित आवृत्ति होती है। तो उन क्रिस्टलों की एक निश्चित आवृत्ति, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उनका एक निश्चित आकार, कि एक निश्चित आकार है, ये इनका एक छोटा सा कमरा है, इसमें 6 परमाणु हैं। जैसे आपके घर में कई कमरे हों, उसमें अलग अलग सदस्य रहते हैं, तो हमारे जब एक प्रकार के सॉलिड्स होते हैं तो उनमें के जो परमाणु अपनी निश्चित व्यवस्था में जहाँ जहाँ स्थित होते हैं, उनकी एक उस निश्चित व्यवस्था को हम कहते हैं एक कोष्टिका या यूनिट सेल, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उस यूनिट सेल की। और उस यूनिट सेल में परमाणु अणुओं या आयनों की स्थिति निश्चित होती है, राइट। और उन्हीं परमाणु अणुओं की आयनों की स्थिति के बारे में हम यूनिट सेल में पढ़ते हैं कि उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो जैसा कि हमने देखा कि इन्हें सबसे प्रकार दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, हम सिंपल यूनिट सेल की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि एक बड़ा सा घर है, इसमें 8 कमरे हैं, 4 नीचे फ्लोर पे, 4 ऊपर के फ्लोर के बने हैं, तो कुल मिलाकर उसमें कितने कोने होंगे, आप सोचिएगा इसको। तो उनके मध्य पॉइंट को, जैसे आप अपने रूम में बैठे होंगे तो कॉर्नर्स को देखेंगे, अगर कॉर्नर के पे आपके रूम के कॉर्नर के बाहर से छत पे कोई गेंद रखी जाए तो उस कोने में गेंद का कितना हिस्सा आएगा, सोचिए। तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कितना हिस्सा आएगा एग्जैक्टली उस कॉर्नर पे, 1/8। अगर उसके चारों तरफ रूम से बने हैं तो उस कोने पे 1/8 हिस्सा आएगा, अर्थात एक कोष्टिका के एक कॉर्नर पे 1/8 एटम परमाणु मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो जब बात आती है आद्य एकक कोष्टिका की, एक यूनिट सेल की, तो ये एक यूनिट सेल जिसमें के चाहे सिर्फ कोनों पे परमाणु होते हैं, जिसके सिर्फ कोनों पे परमाणु होते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल जिसके सिर्फ कोनों पे परमाणु होते हैं, जैसे हम कहें कि अगर सिंपल सा रूम है तो उसके कुल कितने कोने होंगे, सोचिए कितने कोने होंगे। जैसा कि अगर आपने सोचा है कि कुल 8 कोने होंगे, राइट, यही सोचा आपने ना, 8 कोने होंगे, अर्थात 8 जगह परमाणु स्थित होंगे। तो हमारे आद्य एकक कोष्टिका, या जैसे हम जैसे कहें एक लूडो की डाइस, जिसे सिंपल सेल कहेंगे, अगर इसके देखें तो 1, 2, 4, 8 एंगल्स हैं और इन 8 कोने पे हमारे परमाणु होंगे, और प्रत्येक परमाणु एक यूनिट सेल में 1/8 हिस्सा एक एटम का एक कॉर्नर पर आएगा। नेक्स्ट, अब उसी प्रकार सेकेंड वन आता है केंद्रित एकक कोष्टिका। जैसा हमने पहले में देखा आद्य एकक कोष्टिका जिसके सिर्फ कोने पर परमाणु थे, अन्य कहीं परमाणु स्थित नहीं है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन आती है केंद्रित एकक कोष्टिका, यहाँ पे कह रहा है कोनों के अलावा उनके केंद्रों पर भी परमाणु होते हैं, इसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। यह 3 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज BCC, FCC एंड ECC, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर सेल एंड एंड सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, FCC फेस सेंटर सेल या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका एंड ECC इन सेंटर सेल या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंतः केंद्रित या BCC की। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का जो फर्स्ट टाइप है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, यह हमारी सेकेंड टाइप की एकक कोष्टिका है, जिसकी अगर हम बात करें इन सभी कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स हैं और उसके अलावा उसके मध्य में, उनके मिड पॉइंट में भी एक एटम स्थित है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम BCC बोलेंगे, यह हमारा बोला जाएगा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसमें
परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट वन दैट इज एफसीसी या फलक केंद्रित। अगर हम इस फिगर को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और साथ में उसके सभी फलकों पर, उसकी सभी फलकों पर भी परमाणु स्थित हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम एफसीसी बोलेंगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को एफसीसी बोला जाएगा जहाँ पे सभी कॉर्नर्स के अलावा उसके फलकों पर भी परमाणु अणु या आयन या अवयवी कण स्थित होते हैं, दैट इज एफसीसी। नेक्स्ट वन अंतःकेंद्रित या ईसीसी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके सभी कॉर्नर्स पर और किन्हीं दो फलकों पर, किन्हीं दो फलकों पर हमारे परमाणु स्थित होते हैं, इसे कहा जाता है ईसीसी। अब बात करते हैं कि कितने परमाणु इनके कॉर्नर्स पर रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उतनी ही उसकी पैकिंग कैपेसिटी होगी, मीन संतुलन क्षमता, वो आगे के हम वीडियोस में देखेंगे। अर्थात हम समझ सकते हैं कि एक यूनिट सेल में जितने ज़्यादा परमाणु हुए वो उतना ज़्यादा हमारा कहेंगे वो सघन माध्यम है, क्योंकि उसमें परमाणु संख्या क्या है, ज़्यादा है। वही देखते हैं जैसे अगर हम बात करेंगे सिंपल सेल की, तो अगर हम इस प्रिमिटिव सेल की बात करें तो इसके 8 कोने हैं, तो 8 कॉर्नर्स और प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 एटम, जैसा आप अज्यूम कर सकते हैं आपके घर के 8 कोने हैं, किसी एक कोने पे अगर बॉल बाहर से रखी जाए तो 8 कमरों में डिवाइड हो जाएगी वो बॉल, तो 8 × 1/8 दैट इज 1। तो सिंपल यूनिट सेल में मैक्सिमम एटम्स की संख्या कितनी हमारी आई, दैट इज 1। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे अब अंतःकेंद्रित बीसीसी, 8 कोने तो इसमें भी रहेंगे, दैट इज 1/8 × 8+। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 कोने के अलावा एक एटम इसके मध्य में है, तो सेंटर में होगा तो एटम पूरा होगा, दैट इज +1 = 2। तो बीसीसी में हमारे एटम्स की अधिकतम संख्या कितनी है, 2। अर्थात इसमें दो मॉलिक्यूल्स या दो अवयवी कण परमाणु अणु आयन हम कह सकते हैं इनमें उपस्थित होंगे। नेक्स्ट वन एफसीसी, तो एफसीसी में हम देख सकते हैं 8 कॉर्नर्स, तो प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 × 8 एंड जगह कम है नीचे की तरह प्लस 8। अब देखिए हाँ इसके 6 फलक होंगे। अब एक फलक की अगर बात करें, आप किसी एक दीवार पे अगर गेंद को रखें तो आधी गेंद अंदर की तरफ आएगी आधी गेंद बाहर की तरफ आएगी, इस प्रकार से उस फलक पे 1/2 पोर्शन अंदर होगा और 1/2 पोर्शन दीवार के बाहर होगा। इस स्थिति में प्रत्येक फलक पे 1/2 एटम्स होंगे और कुल एटम्स की संख्या कितनी है, 6। तो इस प्रकार 1/2 × 6 + 1/2 × 6 तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसमें एटम्स की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। नेक्स्ट अंतःकेंद्रित या ईसीसी। अब जैसे इसने कहा इसके सभी कोनों पे होंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 1/8 × 8+ अब किन्हीं दो फलकों पे से अंतःकेंद्रित में सामने सामने की विपरीत किन्हीं दो फलकों पे परमाणु होंगे, तो फलक मीन्स की सतह, जैसे अगर कोष्ठिका कहा जाए तो अगर आप एक कमरों को देखेंगे तो कुल 8 फलक होंगे उसके, जैसे लूडो का डाइस होता है, एक कोष्ठिका हम कह सकते हैं लूडो का डाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे और किन्हीं दो फलकों पे, तो दो फलकों पे 1/2 एटम्स होंगे, दैट इज 1/8 × 8 + 1/2 × 2 ये इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 1+1 दैट इज 2। तो इसमें हमारे परमाणु की संख्या कितनी आई, 2, इसमें भी 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि एफसीसी सबसे ज़्यादा सघन होगा और एफसीसी की ही पैकिंग कैपेसिटी वाली सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके एक यूनिट सेल में सबसे ज़्यादा परमाणु आ रहे हैं, तो पैकिंग कैपेसिटी भी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हम अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिट सेल क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर है आता ही आपके एग्जाम्स में, फिर आगे इसकी पैकिंग कैपेसिटी निकालने का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं कि हमारी जो यूनिट सेल है वो कितने भागों में बांटा गया है और यूनिट सेल होता क्या है और प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक्स फॉर, और हाँ चैनल्स को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हम आप अपने नेक्स्ट हमारे आने वाले वीडियोज़ को आप देख सकें। धन्यवाद।